आज है हमारी ट्रिप का पहला दिन और आज हम लोग जा रहे थे कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज। तो अभी हम लोग को पता नहीं था हम लोग के साथ क्या होने वाला था, लेकिन ये अभी हम लोग सुबह के 4:30 बजे या फिर हाँ 4 बजे थे, 4 बजे हम लोग निकले थे और कानपुर सेंट्रल जा रहे थे। और रास्ते का ये बिठूर है और यहाँ पर जो सुबह कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ मॉर्निंग वॉक वाले लोग थे और गाय और कुत्ते ये सब घूमा करते हैं रोड पर, तो वो ठीक है। और बाकी आप लोग बिठूर को देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, देखिए वो बिल्ली जा रही है। ऐसे ही पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे जाते जाते हम लोग बाइक से जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली साथ में थी। और अभी तो और 2 लोग आने हैं, तो अभी आप लोग इन्जॉय कीजिए। और कानपुर सेंट्रल पहुंच कर हमें पता चलता है कि सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, तो अभी हम लोग अंदर तो जा ही रहे थे। अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल के अंदर जाते ही जाते हैं और पहुंचते पहुंचते हमें पता चलता है और कानपुर सेंट्रल का सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। सभी सारे लोग जिनकी जिनकी जॉब है सब जा रहे हैं प्रयागराज, और फिर हम लोग अंदर पहुँचते हैं सारी ट्रेनें की पूछताछ करने के लिए हम लोग गए थे। और हम लोग थोड़ा अंदर देख रहे होते हैं तभी पता चलता है कि सारी ट्रेनें कोई भी एक भी ट्रेन नहीं है, सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। अब क्या ही कर सकते थे, फिर हम लोग का आइडिया थोड़ा चेंज हुआ और हम लोग जा रहे थे, फिर पता चला ट्रेन रद्द हुई तो हम लोग का आइडिया थोड़ा चेंज हुआ। फिर हम लोग बस से गए और बस में तो ऐसा धक्का मुक्का खाने को मिला कि कुछ सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर बस में चढ़े और इतनी भीड़ कुछ कहीं है को नहीं, भसड़ मची हुई थी, सारी ट्रेनें रद्द और सारे जितने भी ऑफिस वाले लोग थे सब बस में चढ़े हुए थे। और मेरा हो चुका था पूरे तरीके से फुल टू फुल मूड ख़राब, और क्या ही कर सकते हैं। फिर मेरा तो भैया मूड ख़राब था, मैं सो गया। ट्रेन का प्रोग्राम था, मुझे पता नहीं था ऐसा होने वाला है, और मैं सो गया अपने सर लगा के। और पता ही नहीं था कि आगे ये भी होना था। अभी तो आगे हमारा और अच्छे से कटना बाकी था। पता चलता है बाद में जब मैं थोड़ी देर सो रहा होता हूँ उसके बाद मुझे पता चला जब मैं उठा कि बस की स्पीड जो हमारी 30-50 चल रही थी वो अब 10 की हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 की स्पीड पे बस चल रही थी हमारी। और फिर हमें पता क्या चला कि बस का गियर ख़राब हो चुका है। और गियर ख़राब हुआ ही था कि बस रुकी, फिर सब लोग उतर रहे थे, हम लोग भी उतरे, तो मूड ऐसा ख़राब हुआ था कि मन कर रहा था कि पैदल ही चला जाऊँ। लेकिन भैया धक्के मुक्के सब लोग उतरते हैं, हम लोग सोच रहे थे कि कोई दूसरी बस आएगी या फिर देखेंगे कैसे जाएंगे, सही होगी या आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों के बीच हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर दूसरी बस आ जाती है, फिर तो हम लोग उस पर बैठते हैं। लेकिन अभी आप जैसा कि देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, अभी हम लोग कौशाम्बी में खड़े हुए हैं, तो ये बाहर का नज़ारा है, बस पूरी ख़राब हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोग दूसरी बस का वेट कर रहे थे कि आए तो हम लोग जाएं, और कंडक्टर साहब भी फ़ोन मिला कर बार बार दूसरी बस को बुला रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ धक्का मुक्का हमारा रहा, फिर दूसरी बस आ गई थी। तो उसके बाद अभी आप लोग आगे का देख लीजिए। अभी हम लोग छोले भटूरे खाने जा रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद में आए हैं और हम लोग फाइनली पहुँच चुका है 6:30 बैठे थे और अभी बज रहे हैं 12, तो मतलब पूरे 12:30 बजे पूरे 6.5 घंटे से कुछ नहीं खाया लोगों ने। तो फिर तो अभी हम छोले भटूरे खाने को हैं, हम ऑटो भी रुक चुकी है, तो अभी चलते हैं जाना देखो बने लगवाए और तेज भूख लगी 6:30 खाया नहीं था बेचारा। हमारे छोले भटूरे लगे, प्लेट लगी और फिर हम लोग खाने के लिए गए और फिर मेरी प्लेट मुझसे छीन ली गई, मेरी प्लेट मुझसे छीन ली गई। अब इन्जॉय कीजिए। फाइनली प्रयागराज